हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जस्ट यूपीएससी एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैल्कुलिथिक एज के बारे में। पर उसके पहले देखते हैं कि जो है अभी तक हम लोगों ने कवर क्या करा है। सो वी हैव कवर्ड प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री को समझा, इसके बाद हम लोगों ने पैलोलिथिक, मीसोलिथिक और न्योलिथिक एज के बारे में समझा। इसके हम लोगों ने इसके साथ ही साथ इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी करी और देखा कि किस एज में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। आज जो है हम लोग जब चैल्कोलिथिक एज कवर करेंगे, इससे पहले जो अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा एमसीक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर इसके पहले जो है थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि कौन सी एज पहले आती है और कौन सी एज बाद में। ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कॉपर एज पहले आई कि ब्रॉन्ज एज पहले आई कि आयरन एज। सो हेयर कम्स द डायग्राम। स्टोन एज पहले आई, उसके बाद कौन सी आई, कॉपर एज आती है, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आती है और उसके बाद आती है आयरन एज। स्टोन एज में क्या होता है, कैसे हम लोगों ने देखा कि पैलोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक ये सब आता है, और कॉपर एज में क्या आता है, चैल्कोलिथिक आता है। जब ब्रॉन्ज एज के बारे में बात करते हैं तो मतलब हम लोग किस कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो है उसके बारे में बात करते हैं। पर जब आयरन एज के बारे में बात करते हैं तो वो हम लोग उसमें वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। अब जो है क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करके देखना है। हम लोग की जो लास्ट वीडियोज हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक एमसीक्यू बनाए हैं। नाउ लेट अस सी, जो फ्लेक टूल्स हैं ऑफ लेवलाइज टेक्निक वो करेस्ट्रिक फीचर हैं किस जियोलॉजिकल एज के, लोअर प्लेस्टोसीन, होलोसीन, अपर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन। होप सो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी, आंसर इज मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड। नाउ हियर कम्स द सेकेंड एमसीक्यू, बरियर प्रैक्टिस जो है वो किसने स्टार्ट करी थी, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथलिज्म या फिर होमो हैबिलस। होप सो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी, इट वाज स्टार्टेड बाय होमो नियंडरथलिज्म। हियर कम्स द थर्ड एमसीक्यू, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल है वो मिला कहाँ इंडिया में, हल्लूर में, कुर्नूल, पल्लावरम या फिर टेकलाकोटा में। आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द आंसर, इट वाज इन पल्लावरम। जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे दे कैन इजीली मार्क दीज आंसर्स। नाउ हियर कम्स द फोर्थ एमसीक्यू, कौन सी चीज जो है इसमें कौन सा पॉइंट है ऐसा है जो कि मीसोलिथिक एज से रिलेटेड नहीं है, हंटिंग गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स या फिर हॉर्टिकल्चर। होप्सो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी, इट वाज हॉर्टिकल्चर व्हिच वाज नॉट रिलेटेड टू द मीसोलिथिक एज। अब थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। और ये आप ऐसा करना कि आप अपना खुद लिख के देख लेना एक पेपर पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक जो ह्यूमन इवोल्यूशन है और डेवलपमेंट ऑफ पैलोलिथिक स्टोन टूल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब होमो ह्यूमन इवोल्यूशन और पैलोलिथिक स्टोन टूल का डेवलपमेंट साथ ही साथ चल रहा था। तो इस पर एक क्वेश्चन आप लिख के देखना। और सेकंड क्वेश्चन इज कि एग्जामिन करो कि डाइवर्स सबसिस्टेंस प्रैक्टिस क्या थी न्योलिथिक पीरियड की। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, आप लिख के देखना फिर बताना मुझे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैल्कोलिथिक कल्चर। पर यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल पहले यूज हुआ, कॉपर है कि आयरन, इट वाज कॉपर। अब एनालिसिस करना है डिफरेंट एज का, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब स्टोन एज हम लोगों ने कवर कर ली है, अब क्या करना है, हम लोग को कॉपर एज इस लेक्चर में कवर करेंगे जिसको कि चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो है क्या, कल्चर बेस्ड होता है स्टोन और कॉपर इम्प्लीमेंट्स को, उसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। इसके फीचर्स क्या हैं,
इस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने यूज करना शुरू करा स्टोन एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. और ये जो रूरल कम्युनिटी थी, बेसिकली ये लोग अर्बनाइज नहीं थे. और इसके साथ ही क्या, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले कहाँ पर, अहार में मिले और गिलुंड में मिले. ये दो प्लेसेस हैं कहाँ पर, ये बानस रिवर वैली राजस्थान में मिलती है. साथ ही साथ जो चैल्कोलिथिक कल्चर वाले पीपल थे, ये जो है डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स और प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर. अब जो है यहाँ पर जब एक्सकवेशंस में हमें और क्या देखने को मिलता है कि रिमेन्स ऑफ कैमल मिले, तो मतलब ये है कि हाँ भाई इन लोगों को कैमल्स की नॉलेज थी, पर हॉर्स का कुछ इतना कुछ मिला नहीं. तो ये आया कि दे वर नॉट एक्वाइंटेड विद हॉर्स, हॉर्स के बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं थी. हाउसेस ये कैसे बनाते थे, मड ब्रिक के होते थे. और ये हाउस मिले कहाँ पर, ये मिले इनाम गांव में. ये सर्कुलर पिट हाउस डिस्कवर्ड होते थे, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो, सर्कल टाइप का है, पिट टाइप का है. इस तरीके के कुछ हॉर्स हाउसेस जो हैं इस एज में मिलते थे. इसके साथ ही जो है सोशल इनइक्वालिटी जो है वो चैल्कोलिथिक पीरियड में देखने को मिली. लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट, कुछ सेटलमेंट बहुत लार्ज थे जो कि कहा जा सकता है कि रिच पीपल लोग वहाँ पे रहते थे, और कुछ सेटलमेंट्स बहुत ही स्मॉल थे जो कि कहा जाए कि कॉमन पीपल वहाँ पर रहते थे. अब क्या आता है, इकॉनमी कैसी थी वहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर के टाइम. तो ये लोग क्या हुआ, एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो है ये कॉपर स्मिथ, कॉपर मिल गया तो भाई कॉपर स्मिथ बन गए. इसके साथ जो है पॉटरी मेकिंग भी इन्होंने शुरू फॉलो कर ही रहे थे. अब पर यहाँ पे क्या हुआ कि एक न्यू आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग ये मिलती है. ये कहाँ पे डिस्कवर हम लोग को देखने को मिलती है, मालवा रीजन में हमें ये पता चलता है कि ये लोग स्पिनिंग एंड वीविंग भी इन्होंने शुरू कर दी थी. अब देखते हैं कि इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी. टेराकोटा फीमेल फिगर्स जो है इनाम गांव में मिलती है. तो ये क्या दिखाता है, जब टेराकोटा फीमेल फिगर्स की, वो लोग शायद हो सकता है कि वो मदर गॉडेस को वो लोग वर्शिप करते थे. और बुल भी मिलता है, तो ये कहते हैं कि भाई बुल वॉज सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट. अब जो है हम लोग देखते हैं कि पॉटरी किस तरीके की थी, और कौन सी पॉटरी पहले आई, कौन सी बाद में आई. तो काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन भी इस पर बन जाता है कि ओसीपी वाली पहले आई कि ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर पहले आया. तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना और थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज भी कर लेना. तो पहले देखते हैं कि ऑकरी कलर पॉटरी आती है, ठीक है, उसके बाद आती है ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर आता है, इसके बाद आता है पेंटेड ग्रे वेयर, इसके बाद आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है. अब जब ओसीपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कॉपर हार्पून मिलता है, ठीक है. और जो है पेंटेड ग्रे वेयर के बारे में बात करते हैं तो आयरन यहाँ पे दिखने लग गया था. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, मतलब जब ये आया तो आयरन का यूज जो है बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था. अब जो है चैल्कोलिथिक कल्चर है ये आइडेंटिफाइड कैसे होता है, ये ऑन द बेसिस ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, माने ज्योग्राफी की लोकेशन के बेसिस पर ये पूरा कल्चर जो है डिवाइड करा गया. दस वी हैव बानस कल्चर. बानस कल्चर कहाँ मिलता है, लोकेटेड इन द बानस रीजन इन राजस्थान, बानस रिवर के पास जो है बानस कल्चर मिलता है, ठीक है. फिर कयाथा कल्चर आता है, कयाथा कल्चर जो है काली सिंध जो है रिवर है वहाँ पे मिलता है, उसके बैंक के पास मिलता है. एंड एफ्लुएंट ऑफ चंबल रीजन वहाँ पे भी मिलता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय अदर साइड इन सेंट्रल, जैसे नर्मदा तापी माही वैली, यहाँ पर पूरा ये कयाथा कल्चर मिलता है, ठीक है. अब जो है मालवा कल्चर जब देखते हैं तो मालवा रीजन में होगा एंड एक्सटेंडिंग अदर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. जोरवा कल्चर है, महाराष्ट्र मिलता है. कयाथा कल्चर ये आप देख सकते हो कि एरो से यहाँ पे दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है. और जोरवा कल्चर यहाँ पे मैप में जो है ये रिप्रेजेंट किया है मैंने, सो आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना इसको. अब जो है जब ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है. ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर जो है ये अतरंजी खेड़ा में मिलता है. ब्लैक कलर इनसाइड नियर द रिम ऑन आउटसाइड,
ठीक है, ब्लैक कलर क्या है, इनसाइड अंदर जो है ब्लैक कलर। इस पॉटरी में आप अगर देखोगे तो अंदर के साइड जो है आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, और साथ ही साथ जो रिम है ठीक है वहां पर आपको ब्लैक कलर मिल रहा है। पर और द रेस्ट ऑफ द बॉडी अगर आप देखो और पूरी बॉडी पे क्या मिलेगा आपको, ये रेड टाइप का कलर मिलेगा। पॉटरी कैसे बनाते थे ये लोग, व्हील से बनाते थे और बहुत ही फाइन क्ले यूज करते थे। कहाँ पे मिला ये पॉटरी, फाउंड एट राजस्थान में, एमपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, इन सब जगह मिली। नाउ कम्स द पेंटेड ग्रेवियर कल्चर। पेंटेड ग्रेवियर कल्चर जो है फर्स्ट डिस्कवर कहाँ होता है, अच्छी क्षेत्र में मिलता है ठीक है। और पॉटरी कैसे, व्हील मेड होती है पॉटरी, व्हील से बनाते थे और उनकी सरफेस जो है काफी स्मूथ होती थी और ग्रे टू एश ग्रे इन कलर, माने ग्रे इस कलर में मिलता था और पेंटेड इन ब्लैक। और ये पूरा जो है पीजीडब्ल्यू कल्चर जो है आपको इस मैप में जो है देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश वेयर कल्चर कहाँ पे ये मिलता है, ये तक्षशिला रीजन में मिलता है। और जब पॉटरी के बारे में बात करते हैं तो इसकी पॉटरी काफ़ी ग्लॉसी सरफेस की होती है और ये फास्ट व्हील से ये लोग बनाते हैं। और ये जो इनकी जो पॉटरी होती है एक लग्जरी टाइप का आइटम है, मतलब ये सभी लोगों के लिए एसेसिबल नहीं है। पेंटिंग इज डन यूजिंग येलो एंड लाइट वर्मिलियन कलर, मतलब जब उस पर जो पेंटिंग करेंगे तो येलो लाइट वर्मिलियन कलर वो यूज़ करते थे। अब यहाँ पे मैप में मैंने शो करा है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर जो है कहाँ कहाँ पर जो है ये एक्सटेंड था। इसके बाद जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर के बारे में कुछ और जानते हैं कि ये लोग क्या था, ये सिल्वर पंच मार्क क्वाइंस जो है ये बनाते थे। ये जो है मिलता है यहाँ पर फ्रॉम द मिडिल फेस से ये मिलने लग गया था। इसके बाद ये इंडिकेट करता है कि अब क्या है, मैंने पहले के उन्होंने कल्चर्स में क्या देखा कि वो लोग बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहे थे। उनको कोई भी गुड्स एक्सचेंज करना था जो है तो क्या करते थे वो लोग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और उससे उन्होंने क्या करा, एक्सचेंज करना शुरू करा और जो है ये सब करते थे। पर वो मेटेलिक करेंसी नहीं यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने मेटेलिक करेंसी यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब उनका रिलीजियस लाइफ कैसी थी, यहाँ पर भी मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे और मेल फिगर्स बहुत रेयर मिलती थी इन द चैल्कोलिथिक सेटलमेंट। अब कहाँ कहाँ साइट ऑफ चैल्कोलिथिक एज था, साउथ ईस्ट राजस्थान में मिलता है, आहार एंड गिलुंद इन बानस वैली, और वेस्टर्न एमपी में मालवा कयात एंड ईरान फाउंड, फिर मालवा कल्चर ऑल्सो फाउंड हेयर। ये मालवा कल्चर था रिचेस्ट अमंग चैल्कोलिथिक सिरेमिक्स था। जोरवा कल्चर भी यहाँ पर मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा ये देखते हैं कि साउथ ईस्ट राजस्थान में चैल्कोलिथिक साइट कहाँ थी, आहार में थी और गिलुंड में। यहाँ पे क्या हुआ, स्टोन आहार में क्या मिला, स्टोन एक्स एंड ब्लेड्स ये यहाँ पे एब्सेंट थे। और पर यहाँ आहार में कॉपर टूल्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा मिले। इसके बाद गिलुंड में कुछ इतना सर्टेन नहीं देखने को मिला। फिर ईस्टर्न इंडिया में आते हैं चिरन, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हमें फिश हुक्स मिलते हैं। वेस्टर्न एमपी की अगर बात करें तो ये तीन उसमें डिवाइड करा, मालवा क्या था और ईरान। मालवा में क्या मिलता है, स्पिंडर वोल्स ये डिस्कवर हुआ, क्या था में 29 कॉपर बैंगल्स और 2 यूनिक एग्स डिस्कवर हुए, और जो है नेकलेस ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन सच एज स्टेटाइट एंड कार्नेलियन बीड्स ये मिलता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये जोरवा, नेवसा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नवादा टोली, इन सब रीजन में चैल्कोलिथिक कल्चर मिलता है। जोरवा में क्या मिला, फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्स मिले, चंदोली में कॉपर चिसल मिले, इनामगांव में एविडेंस ऑफ राइस मिलता है और क्या मिलता है, फिगर ऑफ मदर गॉडेस। अब जोरवा कल्चर को समझते हैं। जोरवा कल्चर क्या था, ये बेसिकली मानी रूरल कम्युनिटी थी और पीपल क्या था, रहते थे सर्कुलर पिट्स में। और जोरवा कल्चर मिलता कहाँ है, दैमाबाद और इनामगांव में। दैमाबाद और इनामगांव कहाँ है ये देखो इस मैप में, महाराष्ट्र रीजन में आपको ये दैमाबाद ये दिख जाएगा और इनामगांव आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आता है आहार कल्चर। आहार कल्चर का ये आप मैप में देख सकते हो कहाँ पे मिलना है।
ये लोग क्या माइक्रोलिथ टूल है ये नहीं यूज करते थे. बैंगल्स ये लोग कॉपर की बनाते थे और प्रैक्टिस करते थे स्मेल्टिंग और मेटलर्जी. आहार कल्चर का ओल्ड नेम क्या था? तंबावती. ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये कि उसका ओल्ड नेम था क्या. अब चैल्कोलिथिक एज का देखते हैं कि रिलेशन था भी कि नहीं था हरप्पन वगैरह से. उनका रिलेशन एग्जिस्ट करता था हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ. वो क्या था कि टेक्नोलॉजिकली जो है चैल्कोलिथिक एज जो है ये जो है प्री हरप्पन एज के साथ कंटेम्प्रेरी थी, ठीक है. और इनका ट्रेड रिलेशन भी हरप्पन्स के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि बीड्स वगैरह हैं ये जो है वो आपस में एक्सचेंज वगैरह करते थे हरप्पन्स के साथ. चैल्कोलिथिक एज जो है एंड कैसे हुई? वाटर लॉगिंग जो है एक्सटेंसिव एरिया में मिलता है, जो जिससे क्या हुआ कि ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो पाया, अनफिट हो गए ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और जो है फिर ये एज जो है एंड हो गई. थैंक यू.